जन औषधि दिवस अपने आप बेहद ही खास है क्योंकि इसके जरिए लोगों को महंगी दवाओं की बजाय सस्ती जेनेरिक दवाएं देने का संदेश भी दिया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जेनेरिक दवाई खरीद कर मिसाल पेश की और भारतीय जन औषधि केंद्र पहुंचकर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कही। इसी पर देखिए एबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दरअसल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जन औषधि केंद्र से दवाएं खरीदी और डिजिटल पेमेंट किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से जेनेरिक दवाइयों के उपयोग और प्रचार प्रसार की अपील की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर हर तरह की उन्होंने नवाचार किए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को समय से मिलें और सस्ती मिले, उसके लिए उनका जन औषधि केंद्र एक बड़ा प्रकल्प है। आज हम सब ने जन औषधि दिवस मनाया और आज मैं स्वयं भी जन औषधि केंद्र पहुंचा हूं और मैंने आज यहां से दवाई खरीदी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की भी शुरुआत की है, तो मैंने पेटीएम के माध्यम से इन दवाओं का पेमेंट किया और 50-90% कम मूल्य पर ये दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही जनता को बड़ा उपहार है। आज जन औषधि केंद्र पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम सब भी ये जेनेरिक दवाइयों का उपयोग करें और इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे लोगों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल सके। आपको बता दें, लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया था। इन केंद्रों पर बाजार के मुकाबले 50-90% तक कम कीमत में दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज, भोपाल।